आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है ना, अगर मैं इस समाज के लायक नहीं रहा तो 5 साल बाद मुझे लात मार के भगा देना। सर मैं भारतप्राइम.कॉम से विजेंद्र हूँ, मेरा सवाल है कि सर स्वच्छता पे बताइए, स्वच्छता किस पंचायत का? अभी जस्ट आज ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने ये सवाल किया और आज ही मेरे पास लेटर। ये जो कॉन्फ्रेंस हो रहा है पहली बार मुझे लगता है कि किसी मुखिया का कॉन्फ्रेंस हो रहा है, ऐसे अभी तक मंत्रियों लोगों का कॉन्फ्रेंस होता था। आप जो हैं, आप एक मीडिया है, आप एक समाज के आईना है। आज यहाँ से आप जो भी दिखाइएगा वही लोग देखेगा, वही सोचेगा और उसी हिसाब से इंटेंशन बन जाता है लोगों के लिए। इसीलिए मीडिया को हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। पत्रकारों को बावली और पगली और गंजेरी कहना कहाँ तक उचित? हाँ, गंजेरी हम उसको कहे थे जो लड़का जो लेके आया था, उन लोगों को गंजेरी है भी और इसीलिए मैंने कहा भी था और इसीलिए कहा था। पगली मैंने क्यों कहा था कि वो अपना दिमाग नहीं लगाए। आप मीडिया हैं, आपको पता है कि जब स्कूल की हम जांच के लिए जाएंगे तो किस दिन जाइएगा, पहला बात बताइए। स्कूल खुला रहेगा तो स्कूल के बारे में आपको पता चलेगा कि यहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, स्कूल के फर्श टूटे हैं, स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, कितने का अटेंडेंस बन रहा है, कितने का आहार मिल रहा है, कितने का नहीं मिल रहा है, कितने टीचर आए हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें अपना दिमाग लगाना होगा। उसने बुलाया जिसको मैंने गंजेरी कहा था, नशेरी कहा था, उसने बुलाया वो आ गई, इसलिए मैंने उसे पगली कहा था कि अपना दिमाग नहीं लगाए। और सबसे बड़ी बात कि वो आते आते मुझे, मैं एक प्रतिनिधि हूँ और प्रतिनिधि सोच लीजिए कि अगर मैं मुखिया हूँ तो ये निश्चित है कि पंचायत का पहला व्यक्ति हूँ और कहीं ना कहीं एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हूँ, ये लोग प्यार देते हैं। इसलिए मैं अपने तरफ से नहीं कह सकता हूँ, आप हमारे कॉमेंट पढ़ के देखिएगा, जो बच्चे कॉमेंट करते हैं तो ऐसे ही इतना प्यार नहीं देते, वो चीज़ें मैंने कमाया है। और वो आके सीधे बोलती है कि बिपिन सर स्कूल की ये हालत देखिए और आप मुखिया बने हैं यही घोटाला करने के लिए। इसलिए मैंने उसे कहा था कि पगली है बबली है, इसको समझ नहीं आ रहा है। मुझे इस बात का गुस्सा आया था, तकलीफ हुआ, कहती है कि हम पूरे पंचायत घूम लिए लेकिन कहीं पर हमको, मतलब लोग ये नहीं कहा कि मुखिया जी घर ही रहते हैं, मतलब ये तो बाहर रहते हैं, कहीं कोई काम नहीं किया, आज तक कोई काम नहीं हुआ, किसी से मिले नहीं, पूरे पंचायत घूम लिए। हाँ, जो नहीं हुआ वो भी दिखाना चाहिए, लेकिन क्या ये नहीं दिखाना चाहिए जो हुआ उसको भी दिखाना चाहिए क्या? अच्छा एक बात बताइए, उन्होंने कहा कि मीडिया का काम है सवाल उठाना, बिल्कुल सवाल उठाना, लेकिन कुछ भी सवाल नहीं हो सकता है। अच्छा, लोकतंत्र में कोई आपका विरोध करता है तो क्या आप उसको चप्पल से मारेंगे, आप जैसे वीडियो में? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर मुझे अपमानित किया जाएगा, क्या आप एक शिक्षक कह के शिक्षक को कहिएगा कि घोटाला करने के लिए मुखिया बने हैं और ऊपर से आप कह रहे हैं कि जब हम रिप्लाई दे रहे हैं तो शिक्षक का है बोला इसे? एक तो आप हमें घोटालेबाज कह दिए। अच्छा, घोटालाबाज आप कहेंगे या जज कहेगा? तो उसने जो कहा उसके एवज में वो जवाब था। और आप लोग जो आए हैं इतने में से मैंने किसी को तो नहीं कहा कि अपने सवाल ना पूछिए। जितेंद्र पत्रकार के द्वारा आज बोला जा रहा था या कल का वीडियो था, आज मैंने देखा था कि उनको धमकी दिया गया आपकी तरफ से, उन्हें कोई गाली दिया होगा, कोई धमकी? मैं तो उसका फोन नंबर भी नहीं जानता हूँ, मैं नहीं जानता हूँ, सच्चाई है। हमारी एक कॉल हिस्ट्री निकाल दिए और दुनिया में कोई किसी को, आप रास्ते में जा रहे हैं कोई कुछ कह भी दिया तो क्या उसकी जिम्मेवार मैं हूँ? नहीं। हाँ, कहीं से कोई संलिप्तता पाया जाए कि मैं उसमें हूँ, उसको इन्वॉल्व मैंने किया। अच्छा, मेरी वीडियो से कहीं आपको लगा कि मैंने किसी को कहा होगा कि उसे गाली दीजिए? नहीं लगा। अच्छा, कोई ऐसा वीडियो से मिला कि कमेंट में जाकर गाली दो? हाँ, मैंने ये कहा था कि रिपोर्ट करिए, अगर कोई गलत वीडियो बनाता है तो उसको रिपोर्ट करिए ताकि वो गलत वीडियो ना बनाए और सही वीडियो दिखाए। तो फिर मैं कैसे उसका दोषी हूँ अगर उसे कोई कुछ कहा होगा? अगर मैंने उसे कहा है तो चले। उसके द्वारा तो ये भी बोला गया कि अगर मेरे ऊपर कोई हमला होती है किसी प्रकार का, इसका दोषी विपिन सर होंगे। हमारा ऊपर हमला हो जाएगा तो दोषी होगा, आप होइएगा? नहीं होगा ना, ये तो बेवजह की बातें हैं, बेबुनियादी बातें हैं। आपके द्वारा जो चलाया उसको आप अभी बंद कर दीजिए, उसका क्या कंडीशन है थोड़ा सा? एम्बुलेंस का देख लीजिए क्या है कि एम्बुलेंस चलाने के लिए जो चल रहा था वो मैंने खुद पैसे से खरीद के दिया। तो सबसे बड़ी बात है कि जो चीज मेरे, मैंने खुद अपने पैसे से किया, इस पर जबरदस्ती किसी का अधिकार नहीं। अगर मैं आपसे कहूं कि उधर से आइएगा और सबके एक एक किलो मिठाई बांटते आइएगा तो ये मेरा कोई अधिकार नहीं, आपको ये ऑर्डर देने का। लेकिन रही बात की एम्बुलेंस चल रही थी अभी बंद है, लेकिन आपके ऊपर जो है आप ही के पंचायत के लड़का के द्वारा क्लेम करा गया था, ये एम्बुलेंस बिल सर के द्वारा नहीं, स्टूडेंट के फंड से खरीदा गया। ये बिल्कुल गलत बात है, सरासर गलत है। क्या वो चालू होगी फिर सर? मैं कहता हूँ कि उस लड़के को कहिए, मैं ऑन कैमरा कहता हूँ, मैं उसे एम्बुलेंस दे देता हूँ। मैं उस समय भी सिस्टम रखा था कि कोई व्यक्ति तेल का पैसा उसमें दे, एम्बुलेंस लेके जहां जाना हो, बीमार हो तो जाओ।
होता क्या था, उसका मिस यूज होता था। जिसको माथा दुखा रहा है ना तो फ्री में एम्बुलेंस मिल रहा है जा रहा है, तेल के पैसा नहीं देगा। और वही लड़का चलाता था, कोई पैसा दिया तो वह रख लिया। समस्या होता था कि हर दिन अपने जेब से मुझे भरना है, अगर 2000 का पेट्रोल जाता है, ड्राइवर का तो ऊपर से मैं दे रहा हूँ, और वो चलाए सेवा दे लोगों को, एम्बुलेंस मैंने उसके नाम कर दिया। अगर उससे वो कमाना चाहता है तो भी कमाए, समाज के लोगों को सेवा करना चाहता है, पूरा एम्बुलेंस मैं उसको दान दे देता। आपने कहा था कि उन पत्रकारों पे आप कार्रवाई करेंगे, क्या कार्रवाई करेंगे? देखिए, अगर झूठा गलत वीडियो हमारे खिलाफ या किसी हमारे समाज में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बनता है तो हम लीगल नोटिस भेजेंगे उसे। भेजने वाले हैं, कब तक भेजिएगा? देखिए, हम भेजेंगे, जब भेजेंगे पता चल जाएगा। सर, जन वितरण प्रणाली आपके पंचायत में कैसा चल रहा है? यहाँ भी धांधली है। मैं जब मुखिया बना तो सबसे पहले मैं उसी पर फोकस किया था, एक स्कूल है उसके बाद वहाँ सबसे पहले 2-2 रुपया ज्यादा डीलर सब लेते थे, जो सरकारी रेट है पर यूनिट, उसको किसी तरह मैंने कम करवाया। लेकिन अभी भी अनाज जो है 5 किलो के जगह 4.5 किलो ही पर यूनिट दिया जा रहा है। मैंने बहुत कोशिश किया है, मैंने ये बात ब्लॉक तक भी कंप्लेन दिया है और कहा भी है, मीटिंग में भी बोला है, तो कहा कि नहीं ये हो जाएगा, हम उसको बोलते हैं डीलर को, एमओ साहब को मैंने कहा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि हर हाल में मैं सभी का मीटिंग यहां बुलाऊंगा, सभी डीलर का, लोगों के सामने ऑन कैमरा, या तो वो डीलर राशन बांटे दे, राशन दुकान चलाए, और नहीं चलाना चाहते हैं चलाएंगे तो सही से उनको 5 किलो देना पड़ेगा और जो सरकारी रेट है वही पर करना होगा, और नहीं तो उनको लिखित दे दे कि भाई हमसे नहीं चलेगा। सर, बिहार में जन वितरण के अलावा दो और समस्या है जो सभी पंचायत की है, मनरेगा और आवास योजना, आप कैसे चला रहे हैं यहाँ पे कैसे? अभी हमारे यहाँ आवास योजना का कोई नया स्कीम नहीं आया है, इसके वजह से आवास योजना नहीं, और पीछे गड़बड़ी जितनी हुई है आवास सहायक के खिलाफ मैंने आवेदन दिया है, उसको मैंने चेंज भी करवाया है। तो हमारे यहाँ जब आवास का चलेगा तो हम आपको सूचना देंगे कि जब माटी की कमी थी तो मैंने अपने पूरे खेत कटवा के अपना बांध बनवाया है, और इस वजह से अब जान लीजिए कि गांव जो पहले हर साल डूबता था, इस बार तो भगवान की कृपा से बाढ़ आई भी नहीं है, लेकिन आएगी भी तो भी नहीं डूबेगी। मनरेगा की जो समस्या उसके तरह से बताइए। मनरेगा, मनरेगा में हम लोगों के यहाँ कोई समस्या नहीं, पता कर लीजिएगा। अभी मैं लेबर जो भी जितना काम किए होंगे, हमारे यहाँ ना जेसीबी चला है ना ट्रैक्टर चला है, ये जेसीबी ट्रैक्टर चला के ही लोग उसमें क्या करते हैं कि कुछ कमाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मजदूर के खाते में पैसा जाता है और सीधे वो मजदूर का पैसा होता है, वो पैसा मेरा नहीं होता है। मजदूरी सर बहुत कम मिलता है, 210 रुपया सरकार देती है, 90 रुपया मैंने अपने तरफ से दिया है, 300 रुपया मजदूरों को मजदूरी दिया है। अभी जस्ट आज ही मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आपने ये सवाल किया, और आज ही मेरे पास लेटर भी आया है। सबसे पहले क्या था कि हमारे पंचायत को, तीन पंचायत को, लोहिया मिशन स्वच्छता अभियान वाला जो है, ये तीन पंचायत को मिला था, प्रखंड में 11 पंचायत है। वो किसको मिला था? तो जो गंगा किनारे है जहाँ बाढ़ पहले आ जाती है उसके लिए आया था, लेकिन चौथा पंचायत मेरा सलाह है और उसके लेटर मुझे मिल गया है आज। और हमारे यहाँ भी घर घर शौचालय बनेगा, और सबसे बड़ी बात, हमें जब डीएम साहब का चिट्ठी आया कि भाई अपने पंचायत में आप क्या क्या काम करवाना चाहते, मैं दिखाता हूँ कि चिट्ठी कब आया है और कब मैंने उनका रिप्लाई दिया है। ये प्रखंड में आया है, और प्रखंड से जब मुझे, एक सेकेंड, ये देखिए, ये 24/8/2022 को मैंने चिट्ठी दिया है, इधर से मैंने रिप्लाई दिया है, और ये, और इसमें मैंने जो मांग किया है पंचायत के लिए क्या क्या होना चाहिए, जैसे अभी क्या है कि डीएम साहब एक योजना बना रहे हैं कि हर मुखिया से वो जायजा ले रहे हैं कि हर पंचायत को क्या क्या चाहिए, तो मैंने 14 काम मांगे हैं अपने पंचायत के लिए। सबसे पहला काम मैंने कि सभी के घरों में शौचालय हो और कोई भी आदमी बाहर शौच के लिए ना जाए, इसके लिए मैंने शौचालय मांगा। दूसरा, साफ सफाई एवं स्वच्छ पेयजल। तीसरा, गांव के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम को लाभ प्राप्त हो, ये गांव के लोगों को कौशल विकास कार्यक्रम के लाभ प्राप्त हो। चौथा मांगा है, गांव में सोलर लाइट की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा, गाँव में इंटरनेट की व्यवस्था हो। छठा है, गाँव में खेलने के लिए खेल मैदान की व्यवस्था, वो तो हम लोग ने प्राइवेट से अभी किया चंदा करके, लेकिन हम चाहते हैं कि सरकारी मैदान भी यहाँ पर हो। दूसरा है, गांव पंचायत में बिहार सरकार भवन का निर्माण हो, हमारे यहाँ पंचायत सरकार भवन नहीं है इसीलिए, गांव में स्वास्थ्य केंद्र का व्यवस्था हो। और नौवां दिया है मैंने, गांव में व्यायामशाला की व्यवस्था हो, जिम की। दसवां है, सरकारी स्कूल की व्यवस्था में सुधार हो। और 11 में है, गाँव के जर्जर सड़क की मरम्मत करवाने के लिए व्यवस्था हो। 12 में है, आंगनबाड़ी भवन का निर्माण हो, चूँकि आंगनबाड़ी भवन हमारे यहाँ है नहीं। और ये जो है आपको 13वां है, खेतों में सिंचाई की व्यवस्था हो किसान के लिए। और 14 है, सलाह चौक से महनार रोड स्टेशन तक सड़क की मरम्मती कार्य हो। जी, ये चूंकि ये सब मुखिया फंड के नहीं, आप लोग भी जानकारी ले लीजिए, कोई भी ढलाई वाला जो रोड बनता है अब मुखिया के अंदर नहीं है,
अब मुखिया केवल बना सकता है सोलिंग वाला रोड जो ईंट वाली होती है, वो भी कच्ची रोड को वो सोलिंग करेगा, जिला परिषद को चलाएगा। हाँ, जिला परिषद को और ये पंचायत समिति प्रमुख को। तो ये चीजें मैंने जो 14 मांग रखा है, अभी डीएम साहब को मैंने ये चिट्ठी दिया कि हमारे पंचायत को इतना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति चाहेगा कि आज हम मुखिया बने तो एक दिन में सारा काम हो जाए, तो आप ही लोग बताइए, आप लोग किसी न किसी गांव से होंगे, क्या आपके पंचायत आदर्श पंचायत हो गया, ये सारा काम पूरा हो गया है क्या? नहीं, आप लोग भी मीडिया है, बोलिए भाई पूरा हो गया है सारा काम जो मैंने मांग किया? नहीं ना हुआ है, धीरे धीरे होगा, लेकिन काम करेगा तब होगा। और यही मेरा प्रयास है, और ये मैंने मांगा है कि 5 साल में आप बताइए, जब इतना काम हो जाए, खेल का मैदान, सबके घर में शौचालय, सभी सड़क पक्की हो जाए, नल जल, स्वच्छ पानी पीने के लिए, स्वास्थ्य केंद्र हो जाए, पंचायत सरकार भवन हो जाए, ये जितने मैंने मांग किए हैं। सर, ईमानदार आदमी के लिए राजनीति आज कितना खतरनाक हो गया है? नहीं, कोई खतरनाक नहीं है, ऐसा थोड़ी लगता है कि मतलब हमारे लिए खतरनाक है, इसे मत सोचिएगा, हम घबराने वाले नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो साधन है। अगर आप मेरे ऊपर कोई इल्जाम लगाइएगा तो मेरे पास प्रूफ दे दिखाने के लिए, दुनिया के पास मेरे पास साधन है कि हम दिखा सकते हैं। आप ईमानदार हैं तो आपको एक तरह से रोका जा रहा है, सब जगह होता है, सब क्षेत्र में होता है सर, क्योंकि आपके अच्छा करने से सबका अच्छा नहीं होगा। हम जितना अच्छा काम करेंगे हमारे विरोधियों को उतना दिक्कत होगा। पूरे बिहार का नजर आज सलाह पंचायत पे है, सलाह पंचायत में आप ऐसा क्या करेंगे कि बाकी पंचायत के मुखिया नहीं कर रहे हैं? सबसे पहले तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि पूरे बिहार, और बिहार ही नहीं, अब तो जानिए कि पूरे देश का नजर है इस सलाह पंचायत पर। जिस सलाह पंचायत की धरती पर मैंने जन्म लिया, आज मेरे नाम के वजह से भी सलाह पंचायत को लोग पूरे देश में अगर जान रहे हैं आज, तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, ये गर्व की बात है। और निश्चित है यहां से एक सीख पूरे देश को जाएगा कि पंचायत में क्या क्या काम हो सकता है। इसलिए थोड़ा सा आप लोग भी धैर्य रखेंगे, और हम समाज के हर व्यक्ति को कहेंगे कि 5 साल हमको मौका दीजिए ना, हम कहाँ कह रहे हैं कि अगले बार हमको इसी वजह से बनाइए। और आप सभी मीडिया बंधु से कहते हैं कि 1 साल तो भाई ये सब खाली योजना के पड़ गए, अभी तक सरकार आपका फिर बदल गया, अब दूसर पंचायती राज मंत्री बनेगा तो कुछ कहेगा कि ये सब योजना जो था गलत था, ये हटाओ, अब दूसर चलेगा, वहां मुखिया क्या करेगा ये बताइए? कुछ योजना चलेगा उसको बंद करेगा, हो सकता है कुछ योजना पर वो जांच करेगा पहले कि वो सही था कि गलत। बिहार में अभी सरकार बदली है ना, आवास योजना और शौचालय में पैसा लिया जाता है, तो आप इसको कैसे? वो अब दूसर, अब दूसरे तरीका से होगा, शौचालय उचालय में वैसे नहीं चलेगा, लोहिया स्वच्छ मिशन वाला जो है अब दूसरे तरह से काम। बताइए, एक युवा जो है सो बैंक अधिकारी बन सकता है, बैंक क्लर्क बन सकता है, पुलिस में जा सकता है, आर्मी में जा सकता है, शिक्षक बन सकता है, नहीं बिजनेसमैन बन सकता है, तो आखिर पॉलिटिक्स में काहे नहीं आएगा युवा? युवा के लिए ई सीट काहे नहीं? युवाओं को आना चाहिए, और जब युवा आएगा तो नए तरीके से सोचेगा। भले ही आज मुझे थोड़ी सी परेशानी हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं, अपनी परेशानी भी मैं दिखाऊंगा, और मैंने जो काम किया वो भी दिखाऊंगा, और हमारे साथ साथ आप लोग भी दिखाते चलेंगे और दिखाइएगा, तो इससे क्या होगा कि आने वाला जो पीढ़ी होगा ना, उसके लिए आसान हो जाएगा, वो आराम से इस चीज को झेल लेगा। ऐसा तो नहीं है कि कहीं पत्रकार कोई विपिन सर के गांव में कमी दिखाए तो उसके खिलाफ भी विपिन सर? कभी नहीं, कमी दिखाने के लिए नहीं, एक तरफा रिपोर्टिंग करने के लिए जरूर नोटिस जाएगा। नहीं, एक तरफा रोड, हाँ सर, युद्ध के लिए आपकी कमियों को दिखाएगा? नहीं, कमी दिखाइए ना, में जहाँ कमी है वो अगर दिखाए तो बिल्कुल दिखा सकते हैं, लेकिन आप एक बात बताइए, कोई एक आदमी आपको लेके आएगा हमारा विरोधी, आपको कहिएगा हम पूरे पंचायत घूम लिया, कुछ देखे नहीं किए, ये खाली खराब काम के अलावा? नहीं तो वो तो आपकी जनता बोल रही है, पत्रकार तो नहीं बता रहा, आपका जनता पहले। अच्छा, जनता बोलेगा? अच्छा, आप किसी के कहने पर खाली आइएगा जो विरोधी बोले? अब जनता की आवाज सुनिएगा कि खाली विरोधी की आवाज? ही बताइए, जनता कौन होता है जो न्यूट्रल है? जनता वो है जो किसी पार्टी का नहीं। हो सकता है कि हमारे यहाँ जो खड़े होंगे लोग वो हमारे आदमी होंगे, तो ये तो हमारे जैसा बोलेंगे, और जिसके यहाँ से रिपोर्टिंग हुआ उसका आदमी था तो उसके जैसा बोलेगा, वो जनता कैसे हुआ? जनता का मतलब है जो न्यूट्रल आदमी, हमारे दरवाजा पर ना बोले, उसके दरवाजे पर ना बोले। जो आप अकेले आए बिना को कहे, किसी को कहे हुए रिपोर्टिंग कर लीजिए ना, पता चल जाए, कहीं काम होता है वहां जाके देख लीजिए ना कि काम कैसा हो, इनर रिपोर्टिंग होता है, वहां सवाल पूछ लीजिए किसी से जहां से काम हो रहा है कि कैसा काम किया है, इनर होना चाहिए। ऐसा करिएगा तो काम करने वाला को भी मन लगेगा, नहीं गलत को गलत दिखाइए, अगर हमारे काम गलत हो तो गलत दिखाइए। सर, आप शिक्षक से मुखिया हुए हैं, तो सबसे पहले छात्रों के लिए अभी तक क्या कुछ आप काम किए यहाँ पर? तो यहाँ पर तो अभी लाइब्रेरी बन गया, नौ नंबर वार्ड में हम दिखाएंगे, बनाए हैं या जितना है उसका रेनोवेशन करवाए, उसकी इतनी जर्जर स्थिति थी, जिन्होंने उद्धार करवा कि उसमें भूत बसता था, लोग कहता था कि उसमें भूत रहे थे, तो साफ बिच्छी,
और उसका स्थिति अब जाकर देखिए तो जीर्णोद्धार हुआ है उसका। बच्चे उसमें और निश्चित है कि जो चीजें गड़बड़ हो रही है, जर्जर हो रही है, उसको बना के और सही ढंग से, सुचारू ढंग से उसमें कोई कार्य किया जाए तो समाज के लिए बेहतर रहेगा। कि आपने मुझे 5 साल के लिए चुना है ना, अगर मैं इस समाज के लायक नहीं रहा तो 5 साल बाद मुझे लात मार के भगा देना। और आप सभी मीडिया से कहता हूं कि जब 4 साल मेरे कार्यकाल का पूरा हो जाए ना तो सब आदमी आइएगा, 1 साल पहले से दिखाइएगा, अगर मैं अच्छा काम किया तो अच्छा दिखाइएगा, अब मैं गलत काम करा तो पूरा दिखाइएगा इस समाज में कि इसने बहुत गलत काम किया है, इसको तो चुनना ही नहीं चाहिए लोगों को।